सभी को नमस्कार और जय श्री राम। 500 वर्षों के प्रयासों के बाद में आज 22 तारीख को, आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो हमारे स्कूल प्रांगण की तरफ से, द्रोणाचार्य इंटरनेशनल अकेडमी की तरफ से, आप सभी लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और स्कूल पूरा सहयोग करता है और इस बात की पूरी आशा करता है कि राम राज्य की जो स्थापना है उसके तरफ ये जो एक कदम है, इसमें सभी लोगों का विकास हो और सभी के मंगलमय की कामना के साथ हम सभी को पुनः एक बार सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जय श्री राम। करंट सिनेरियो में इस बात को लेकर के काफ़ी विवादास्पद स्थिति भी रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के इस जो फैसला आया, इसमें इस फैसले को स्पेसिफिकली रीड करने के बाद ये पता चलता है कि काफ़ी सारे एविडेंसेस के बाद जो न्याय व्यवस्था है, देश की न्याय व्यवस्था, वो ये मानने के लिए बाध्य हुई है कि सभी साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए वो सही हैं और उस आधार पर एक मेरिट के बेसिस पर डिसीजन लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोगों का जो ये मत था पहले कि एविडेंसेस को लेकर के जो सवाल होते थे, तो अब मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल रही है और मेरिट के बेसिस पर अगर फैसला हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अब एविडेंशली भी प्रूव हो चुकी है। तो लोगों के जो मत थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इन मतों को जो गलत दिशा में थे उनके ऊपर एक रोक है और राम के सभी समर्थक जो काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, उनके अथाह प्रयास और कई लोगों के समर्पण के बाद में जो आज मंदिर का भव्य निर्माण की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मंदिर के लिए जो उसकी ऊर्जा का स्तर है वो एक अलग ही माध्यम होता है। जब भी कोई भक्त अगर मंदिर में पहुँचते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित, जैसे हमारे घर के मंदिर हैं और जो किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनमें अंतर एक्चुअली इसी बात का है कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मंत्रों के माध्यम से उस मूर्ति में प्राण अर्पित करना, मतलब जीवंत उसे बनाना। तो अगर जीवंत बनाया जा रहा है, और उस मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब भी भक्त लोग इसके दर्शन करेंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी और राम के आदर्शों पर चलकर आइए देश को एक समृद्ध राज्य और देश बनाने की कोशिश करते हैं और अपने अथाह प्रयासों से इस समाज की गौरवशाली जो इतिहास है इसकी पुनर्स्थापना में अपना एक कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद।